तो ये मेरी सर्टिफाइड कॉपी है अकाउंट्स की, सी इंटर ग्रुप वन, जिसमें मेरे मार्क्स आए हैं 66.5, यानी कि 67। तो मैं आपको कॉपी अपनी शेयर कर रहा हूँ कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक की। ये क्वेश्चन नंबर 2A है, ये 10 मार्क्स का है। ये मेरा मतलब स्टेप वाइज मार्किंग करते हैं, तो स्टेप ये ठीक है। यहाँ गलती क्या की मैंने, देखो सब कुछ सही था, बट यहाँ मैंने मतलब एक ट्रांजेक्शन मिस कर दी। पता नहीं उस टाइम पे वो कैसे मिस हो गई, सारा क्वेश्चन आता हुआ था, बट इन्होंने स्टेप के अकॉर्डिंग मार्क दिए हैं स्टेप वाइज। जैसे ये गलत है, ये गलत है, सेल गलत हो गई, पॉइंट पता नहीं कैसे छूट गया। मैंने पेपर देखा बाद में, मैं ये तो भूल गया था उस टाइम पे। तो इन्होंने स्टेप 2A के दिए 5.5 मार्क्स। तो ये गलती से मैंने मतलब यहाँ मैं गलती ध्यान रखता ना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ता तो ये नंबर नहीं कटते मेरे। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2B, ये भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट का है। ये था 10 मार्क्स का, यहाँ पर 6.5 आ गई, ये समझ में आ गया। बट यहाँ मैंने जो P&L अकाउंट निकाला था, जो बैलेंस इन फिगर, शायद बैलेंस इन फिगर नहीं लिया, इसको काटा मार रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक होना चाहिए था, बट इन्होंने पता नहीं किस अकॉर्डिंग काटा मार दिया। सब कुछ सही है, इन्होंने 2B स्टेप 2 के 0 नंबर दे रखे हैं, इसमें डेढ़ नंबर काट दिया इन्होंने। ये समझ नहीं आया मेरा, क्या गलत हो सकता है इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 6A, इसमें पूरे 5 नंबर हैं। देन ये इफेक्ट वाला था ट्रांजेक्शन, 6B में भी 5 नंबर हैं। देन 6D है, ये भी इफेक्टिव कैपिटल, इसमें भी 5 नंबर हैं। देन 6C, इसमें जैसे स्टेप मार्किंग मिला हुआ है, ये मैंने गलत कर दिया। जो सेकंड ट्रांजेक्शन थे ना, सिक्योरिटी प्रीमियम को सारा यूज़ कर लिया, मैंने प्रीमियम को राइट ऑफ नहीं किया, तो ये गलती हो गई। जैसे यहाँ पर 45,000 का प्रीमियम राइट ऑफ होता है सिक्योरिटी, फिर जाके CRR बनता है, तो इन्होंने स्टेप का एक नंबर दिया है और ये कुछ काट लिया नंबर। 1B में ये एक्टिविटी पूछ रखी थी कौन सी है, इसमें 3.5 दिए, फिर थ्योरी इसमें 2.5 नंबर पूरे दे रखे हैं भाई। देन डाइस में 1D में 5 नंबर पूरे दे रखे हैं। ये 1C का क्वेश्चन था, AS11 का, इसमें 1 नंबर दिया है। देन सी सेकेंड पार्ट में 3 नंबर दिए, 4 नंबर दे दिए मेरे को दोनों को मिला के। 1A में 2.5 स्टेप मार्किंग हो रही है, तो 5 नंबर दे दिए, 17.5 नंबर आए मेरे, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कंपलसरी क्वेश्चन था। उसके बाद 5A मेरे को आता नहीं था, ये मतलब डिबेंचर्स वाला रिडम्पशन था, तो इसमें स्टेप वाइज मार्किंग की है, तो ये अच्छा लगा है, 3 मार्क्स आए। ये मेरा गलत हो गया, DRI गलत बन गया, यहाँ पे छोटा है। फिर हाँ इंटरेस्ट वाला पॉइंट था, तो इन्होंने 8 नंबर दे दिए, 12 मार्क का क्वेश्चन था ये। डिपार्टमेंट अकाउंट मेरे को आता ही नहीं था, मैंने जो आते थे वैसे ही मतलब प्लेस कर दिया पोजिशनिंग, जो डेबिट होना था वो डेबिट कर दिया, जो क्रेडिट होना था वो क्रेडिट करके। तो इन्होंने सही निकालने के बाद स्टेप में मार्किंग दिए 4 मार्क्स। तो मतलब मेन बात इसी से चलता लगता है, अगर क्वेश्चन नहीं आता क्वेश्चन मत छोड़ो, यहाँ 12 नंबर मिल गए। अगर मैं क्वेश्चन छोड़ देता नहीं ये, तो 12 नहीं मिलते मेरे को। देन ये लास्ट क्वेश्चन सबसे बैलेंस शीट वाला 20 नंबर का था, तो ये मेरे को आता ज़रूर था, बट पंगा ही हुआ मेरे को लास्ट टाइम में, सबसे लास्ट में गया था, तो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन हो गया गलत, 20 नंबर का था। ट्राई अप करता ना, तो यहाँ पर 20 नंबर ला सकता था मैं, ऐसी कोई बात नहीं था, मतलब 20 नहीं ला सकता था, मतलब यह 14-15 नंबर ला सकता था अगर टाइम बचता तो। बट ये है कि ICI नंबर देता है ओवरऑल, तो मैंने पेपर पूरा 100 नंबर का अटेम्प्ट किया था। ये मेरी शीट रही, तो आप देख सकते हो अलग अलग नंबर मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था 100 नंबर का। तो ये है कि मेरे 67 मार्क्स आए, अगर मैं थोड़ा और ध्यान से करता ना, छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करता, तो मेनली कम से कम मेरे 10 नंबर बढ़ा सकता था मैं इजिली, जो छोटी छोटी मिस्टेक कर रखी हैं बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में। थैंक यू।